हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे मिथिला में खास होली के अवसर पर बनने वाली स्वादिष्ट और विशिष्ट मीठी पकवान मालपुआ। मिथिला में मालपुआ को कई तरीके से बनाते हैं। आज हम दो प्रकार की मालपुआ बनाएंगे, एक सादी और दूसरे केले वाली, केले की खुशबू वाली और स्वाद वाली। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अब हम बनाएंगे पहले हमारी सादी वाली मालपुआ। तो इसका घोल तैयार करने के लिए हमने लिया है मैदा 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा तेज या कम खाना पसंद करें उस हिसाब से चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध, दूध 1 लीटर लिए हैं। दूध को हम उबाल लिए हैं, उबाल कर दूध को रूम टेम्परेचर पर ले आए हैं। दूध को उबालने का आपको ये फायदा मिलता है कि अगर मालपुआ बनाते समय घोल थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसे आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर दूध आपका कच्चा रहेगा घोल बनाते समय तो आपका बचा हुआ घोल मालपुए का खराब हो सकता है। तो इसलिए दूध को उबाल लें और फिर उसका घोल बनाने के लिए प्रयोग करें। छोटी इलायची, इसे छील करके इसका पाउडर बना लेना है। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद की कोई भी मेवा ले सकते हैं। हम यहाँ काजू का कूट लिए हैं और किशमिश। अब हम सबसे पहले मालपुए की घोल तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में सबसे पहले चीनी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, मैदा और थोड़े थोड़े दूध बीच बीच में डालते हुए एक गाढ़ा सा हम घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि घोल में कोई गांठ ना रहे, तो इसलिए बीच बीच में इसे अच्छे से चलाते हुए हमें एक इस तरह का मोटा सा घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करते समय ध्यान रखना है कि पतला बिल्कुल ना हो। अगर घोल पतला हो जाएगा तो जैसे ही घी में हम डालेंगे वो बिखर जाएगा। इस तरह से हमारा पुए का घोल तैयार है। इस तैयार घोल को हम साइड में रख लेंगे और अब हम तैयार करेंगे हमारा दूसरे मालपुए का घोल, जो है केले वाली। तो इसके लिए हम लिए हैं मैदा 200 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, केला 2। केला आपका बहुत ही अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। आप देख रहे हैं केले के छिलके पर हल्का सा काला काला बस आ गया है, तो केला काफ़ी अच्छा पका हुआ होना चाहिए। इसे छील करके अच्छे से इसे मैश कर लेना है। ध्यान रखना है कि गांठ वगैरह केले में ज़्यादा ना रहे। इलायची पाउडर और मेवा, हम किशमिश और काजू लिए हैं, आप अपने पसंद की कोई भी मेवा ले सकते हैं। दूध, दूध उबली हुई है हमारी, दूध उबाल करके उसे रूम टेम्परेचर पर हम ले आए हैं। तो आइए अब हम केले वाली मालपुए का घोल तैयार कर लें। तो एक बर्तन में सबसे पहले चीनी और फिर मैश किया हुआ केला, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू के टुकड़े, कुटी हुई छोटी इलायची का पाउडर, और अब मैदा डालेंगे
और इसे अच्छे से केले के मैश किए हुए केले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए इसे हमें मिलाना है। ध्यान रखना इसमें कोई गांठ न बने और स्मूथ सा हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तो स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है मालपुए का। तो इस तरह से हमारा दोनों ही घोल तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस हम ऑन कर लिए हैं, आँच को तेज ही रखेंगे। तेज आँच पर हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और अब हम इसमें घी गर्म करेंगे। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घी में मालपुए का स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत बेहतरीन आता है। तो कोशिश करें कि आप इसे घी में ही बनाएं। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम यहाँ इसमें मालपुए के घोल का एक दो बूंद डाल करके चेक कर लेंगे कि हमारा घी परफेक्ट गर्म हुआ है। तेल घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है। जैसे ही हमने इसमें एक दो बूंद डाला भी घोल, यानी कि हमारा घी सही तापमान पर गर्म है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमारी शादी वाले मालपुए का घोल डालेंगे। करछल से ऐसे हमें लेकर के रखना है, धीरे से रखना है, ध्यान रखना है ज़्यादा ये इसमें चारों तरफ बिखरे नहीं। और इसे एक तरफ अच्छे से हमें पकने देना है, उसके बाद ही हम पलटेंगे। और साइड से थोड़ा थोड़ा सा घी हम उसके ऊपर इस तरह से डालते रहेंगे ताकि बीच में जो भी थोड़ा सा कच्चा हो मोटा वो भी अच्छे से पक जाए। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी पतला हो जाएगा घोल मालपुए का तो घी में जैसे ही हम घोल डालेंगे तो बिखर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि घोल आपको बिल्कुल इसी थिकनेस का बनाना है। एक तरफ से मालपुआ हमारा पक चुका है तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ इसे हल्का सा गुलाबी होने देंगे, फिर इसे हम पलट लेंगे। तो बीच बीच में इसे एक दो बार हम पलटेंगे और जैसे ही ये दोनों तरफ से हल्का गुलाबी हो गया तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे एक छन्नी पे निकाल कर घी निचोड़ देना है। और इसी तरह से अब हम दूसरा भी बना लेंगे। डाल करके इसे पलटना है और ध्यान रखना है कि जले नहीं। थोड़ा सा ही जैसे ये गुलाबी होता है तो इसे हम फिर से पलट लेंगे और हल्का से बीच बीच में इसे दबा देंगे और दबाते हुए फिर से हम पलट लेंगे। और जैसे ही दोनों तरफ से ये फिर से हल्का सा गुलाबी हो चुका है तो ये पक चुका है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। एक छन्नी पे रख करके फिर से इसे हम घी से दबा लेंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी मालपुए बना लेंगे। तो आइए अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा मालपुआ जो है केले की फ्लेवर वाली। तो इसके लिए हम इसी गर्म घी में छोटे करछुल से हम डाल रहे हैं। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बड़ा और छोटा, तो इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा छोटा रख रही हूँ। ये डालिए और इसके बगल में भी मैं एक और डाल देती हूँ और इसे हम पकने देंगे एक साइड। जैसे ही आप ये केले वाली घोल डालते हैं घी में तो हल्का सा अगर घी में झाग बनने लगे तो कोई बात नहीं, वो केले के कारण हो रहा है। और इसे चारों तरफ से घी इसके ऊपर डालना है ताकि वो गर्म घी से बीज वाला भी अच्छे से पके। और इसे अब हम पलट लेंगे। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा गुलाबी होता है तो हम उसे फिर से पलट लेंगे। दो तीन बार इस तरह से बीच में आप इसे पलटें ताकि जले भी नहीं
और पके, बिल्कुल अंदर भी कच्चा ना रहे मालपुए का, इसलिए बीच बीच में हम उसे प्रेशर से हल्का सा दबा देंगे ताकि गर्म घी मालपुए के अंदर तक जाए। और इस तरह से अब दोनों ही तरफ से हल्का सा गुलाबी हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। छन्नी पर हल्का सा इसे दबा देंगे ताकि ये इसका जो बचा हुआ घी है वो निकल जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं कि एक साथ आप इस छोटे से कढ़ाई में ही बहुत सारे मालपुए भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, बीच में पहले हम एक करछुल घोल डालते हैं और इसे अब हम एक साइड अच्छे से हल्का गुलाबी होने देंगे और उसके बाद हम इसे पलटेंगे। और जैसे ही आप घोल डालें तो बीच भी साइड से उसमें गर्म घी उसके ऊपर डालें ताकि जो भी बीच में थोड़ा सा भी गाढ़ा घोल रहा हो तो वो पलटते समय इधर उधर बिखरे नहीं, वो भी पक जाए गर्म घी के कारण। तो हमने इसे पलट लिया है और अब हम इसके बगल में ही और भी मालपुए डालेंगे, तीन चार और इसके साथ ही हम बनाएंगे एक साथ। तो जो पक चुका है उसके बगल में हमें डालना है। तो आप देखेंगे कि छोटे से कढ़ाई में भी आप एक साथ चार पांच बना सकते हैं छोटे साइज का। तो इसे हम एक साइड सभी को पकने देंगे और आप देख रहे हैं कि केले का घोल है तो इसलिए हल्का सा घी में झाग सा आने लगा है। तो कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे पकेगा केला तो वो झाग भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही एक साइड पक गया तो हम इसे पलट लेंगे फिर से और हल्का सा सभी को दबा देंगे। और बीच बीच में इसे हमें सभी को दबाते रहना है ताकि अंदर तक गर्म घी जाए और वो अच्छे से पके दोनों ही साइड, बिल्कुल भी बीच में थोड़ा सा भी कच्चा नहीं रहे। और इसको हल्का अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है। और केले वाला ये घोल है इसका कलर काफ़ी अच्छा सा लाल सा हो जाता है। तो इसी तरह से इसे दबाते हुए हम पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम पलटेंगे। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से मालपुआ गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से मालपुए का हल्का सा सुनहरा रंग आ चुका है। तो ये पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से फिर हम इसे एक एक कर जाल के ऊपर रख देंगे। और जो भी इसमें घी है उसे हम निचोड़ देंगे। और इस तरह से हमारा सादा और केले वाला मालपुआ बनकर तैयार है। और इसी तरह से आप बाकी के सारे मालपुए बना लें। तो इस तरह से हमारा सादा और केले की फ्लेवर वाली मालपुआ बनकर तैयार है। ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही स्वादिष्ट और बहुत ही मुलायम होता है। इसके साथ आप डालना या कटहल की सब्जी बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। डालना और कटहल की सब्जी कैसे बनाते हैं अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वीडियो है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। लेकिन मिथिला में होली के दिन जो नॉनवेज खाते हैं वो पुआ और मांस खाने की परंपरा है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसे इस तरह से आप भुने मटन या ग्रेवी वाली मटन बना सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं मटन, इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन आप खा करके इसका स्वाद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के अनेकों मैथिल व्यंजन का स्वाद जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गुलदस्ता से। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।